हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किशु किचन। आज हमने बनाया है कॉफ़ी। विंटर सीजन में कॉफ़ी पीने का एक अलग ही मज़ा है, और यदि आप कॉफ़ी लवर हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि बिना कॉफ़ी मेकर के हमने इस झगदार कॉफ़ी को कैसे बनाया है, और इस कॉफ़ी को पीकर आपको घर पर ही कैफ़े का याद आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू। कॉफ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया एक कॉफ़ी मग, और उसमें डाला इस बड़े चम्मच से एक चम्मच कॉफ़ी। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसी चम्मच से 2 चम्मच शुगर। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप शुगर का क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालने के लिए हमने यहाँ लिया है 3 से 4 चम्मच बॉयल पानी। आप चाहें तो यहाँ पे हल्का गर्म दूध भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हैंड वीटर या फिर इलेक्ट्रिक वीटर का यूज करते हैं तो दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करें, आप पानी को भी ज़्यादा गर्म नहीं करें, क्योंकि हम हाथ से इसको फेटेंगे इसलिए हमने पानी को ज़्यादा बॉयल किया है। अगर हैंड वीटर से फेटते तो पानी को सुसुम ही रखते। अब हम इस स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको फेटेंगे। हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए फेटेंगे। अगर हम कॉफ़ी मेकर से इसको बनाते तो यह जल्दी हो जाता, बट चूँकि हम हाथ से कर रहे हैं तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम इसको फोक की सहायता से फेटेंगे क्योंकि फोक से ये जल्दी हो जाएगा। अब हम इस फोक की सहायता से इसको वीट करेंगे। शुरू में हम 3 से 4 मिनट इसको थोड़ा स्लोली वीट करेंगे, और उसके बाद हम 10 से 15 मिनट तक इसको तेज चलाते हुए वीट करेंगे। तो आपको इसे ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए बीट करना होगा, यानी कि फेटना होगा। आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आप शुरू के 2 से 3 मिनट तक इसको थोड़ा हल्का चलाते हुए बीट करें, और फिर 8-10 से 15 मिनट तक आप इसको थोड़ा फास्ट बीट करें। जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो रहा है। चूँकि हमको एक कॉफ़ी बनाना था इसलिए हमने कॉफ़ी मग में ही इसको बीट किया। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए कॉफ़ी बनाना है तो आप इसे बोल में रखकर हैंड बीटर या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर सकते हैं। हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर या फिर हैंड बीटर से बीट करना चाहते हैं तो पानी को बॉयल ना करें, उसको हल्का सुसुम करें, या फिर दूध भी डाल रहे हैं तो हल्का सुसुम करें, और यदि आप हाथ से बीट कर रहे हैं तो ही पानी को बॉयल करें। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। पहले ये ब्लैक था, अब यह रेडिश ब्राउन दिख रहा है। तो कॉफ़ी हमारा लगभग लगभग बीट हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको और बीट करेंगे। तो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए देखने से में ही कितना अच्छा कलर दिख रहा है। कॉफ़ी में डालने के लिए हम दूध को गर्म करेंगे। हमने यहाँ 1/2 kg दूध लिया है जो कि नॉर्मल है, आप चाहें तो फुल क्रीम मिल्क भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको गर्म करेंगे। मिल्क गर्म हो रहा है, अब हम इसमें 1 या 2 उबाल आने देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आने लगा है, वह हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और हैंड बीटर की सहायता से इसको थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि दूध में झाग बने। अगर आपके पास हैंड बीटर ना हो तो आप स्पून की सहायता से भी इसे बीट कर सकते हैं। अब हम इस हैंड बीटर से इसको धीरे धीरे चलाते हुए बीट करेंगे ताकि इसमें एक अच्छा झाग बने। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा झाग बन रहा है। 2 से 3 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दूध में झाग बन चुका है। अब हम इस मिल्क का यूज कॉफ़ी के लिए करेंगे। 1 से 2 मिनट हम और इस कॉफ़ी को फेटेंगे, तब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम एक बार सारा मिल्क नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो कॉफ़ी में झाग नहीं बनेगा। फिर से हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो आपको दिख रहा ना कॉफ़ी में एकदम झाग।
थोड़ा सा और मिल्क हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो देखने से दिख रहा है ना, एकदम झागदार कॉफ़ी। जब आप कभी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाते हैं तो आप इसको बनाने में आपको थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपका मनी भी सेव होगा। तो ये देखने में लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी। तो अगर आप घर पे हो और फुर्सत हो कॉफ़ी पीने का मन करे तो घर पे ही बनाइए रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी। थोड़ी मेहनत कीजिए विदाउट कॉफ़ी मेकर एंड विदाउट हैंड वीटर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक और कमेंट कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।